गैनूपुर गांव के पचरंगी किसान की बिटिया चंपा के लिए मन की बड़ी सच्ची पर पढ़ाई में थोड़ी कच्ची। पाठशाला उसके लिए नरक था क्योंकि वहां था यमराज जिसे बच्चे पुकारते थे मास्टर छल्लम। दो दुनी 78 दुनी। मास्टर जी घंटी कभी बजेगी? बजेगी, पहले छड़ी बजेगी। हाथ आगे बढ़ा। उतने में गांव में आ गया डाकू अवगढ़ सिंह टीपू और उठा ले गया चंपा कली को। क्यों? अरे ले गया तो ले गया, उसकी मर्जी। जैसे जैसे वो गांव को भूलती गई वैसे वैसे अवगढ़ सिंह डाकू से बना। बापू घड़ा बनो ना। अपने सरदार के इस बदलाव से छदमी, लाखन, मितवा, पीलू सब नाराज थे और सरदार के मरने का इंतजार करने लगे। और आखिर में इधर सरदार मरा उधर चंपा पर अत्याचार शुरू। चल मशाल जला। वक्त के साथ अत्याचार भी बढ़ते गए और एक दिन मजबूरी में बंदूक उठानी पड़ी। फिर छदमी पानी में, लाखन उल्टे बंदूक से, पीलू टीले से और मितवा शायद केले के छिलके से सस्ती मौत मारे गए। फिर बेबी चंपा बनी डाकू रानी चंपा अग्नि और उसने खोल दिया अपनी दहशत का पिटारा। बंदूक खून मांगती रही वो दे दी गई। लूटते पाटते किस्मत का भैया घूम कर पहुंचा उसके अपने ही गांव जहां उसे मिला अरे तो ऐसा बोलो ना, फैमिली ड्रामा चाहिए। चंपा मांगने गई थी अपना बचपन, मास्टर जी ने उसे थमा दिया 55 इंच का जी सिनेमा। कहा जाता है कि 7 दिनों तक वो केवल जी सिनेमा देखती रही। फिर क्या हुआ? चंपा अग्नि डाकू से बनी कला प्रेमी, डकैती बंद और निर्मित हुई चंपा देवी नृत्य संस्था। पर ये सब तुम्हें कैसे पता? पिछले 9 साल से गांव का बच्चा बच्चा जानता है। जी सिनेमा मतलब मूवीज, मस्ती, मैजिक।